हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। पलवल अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। मंडी में जगह जगह गेहूं की ढेरियां लगनी शुरू हो गई हैं। गेहूं की खरीद शुरू करने के लिए एसडीएम जितेंद्र कुमार ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों, खरीद एजेंसी और आड़तियों की बैठक ली। बैठक के दौरान गेहूं की खरीद को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर मंडी एसोसिएशन की तरफ से गेहूं की खरीद ऑनलाइन करने की बजाय मैनुअल करने तथा बीसीपीए करने की मांग रखी गई। एसडीएम ने एसोसिएशन के सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। गेहूं की खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खरीद एजेंसियों को गेहूं की खरीद सुचारू रूप से करने, वारदाने की उचित व्यवस्था करने, गेहूं की लिफ्टिंग करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। मंडी में गेहूं की खरीद के दौरान किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। गेहूं की खरीद के लिए प्रक्रिया यही है कि एजेंसी भी मौके पे है, हम भी हैं और आढ़तियों को भी बुला लिया है और उनका जो असंतोष है उसको मिटाने की कोशिश करी जा रही है। तो फसल आ चुकी है मंडी? हाँ, अभी मंडी में फसल की शुरुआत है, कुछ ढेरियाँ आ गई है मंडी में। कब तक इनकी खरीद चालू हो जाएगी? देखिए, जो अभी हमसे मंडी एसोसिएशन के कह के गए हैं और इन्होंने अपने प्रधान से भी कहीं पर हरियाणा लेवल के कोई प्रधान हैं, इनकी उनसे बात करी है, तो ये कह रहे हैं कि अभी हम बात करके आपको बता देते हैं। तो क्या उम्मीद है कि आज खरीद हो सकती है? देखिए, हम तो उम्मीद पे हैं, बिल्कुल आज खरीद करवाएंगे, कोशिश है। और मंडी एसोसिएशन को हमने आश्वासन भी दिया है, एसडीएम साहब की तरफ से भी आश्वासन है कि जैसे ही खरीद की है वैसे ही।